सिरसी सिखि पुछन कति तटे दुकुलन नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन बसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव हमारे शास्त्रीय नृत्य में दो प्रकार के नृत्य होते हैं, एक होता है प्योर डांस और एक होता है एक्सप्रेशनल डांस यानी कि अभिनय। प्योर डांस के अंदर हमारा पल्लवी होते हैं, बट्टू होते हैं और मोक्ष भी होता है। तो प्योर डांस इस तरह है कि हम जैसे कि एक ताल होता है, एक संगीत होता है, संगीत और ताल के साथ साथ हम नृत्य करते हैं। लेकिन जब संगीत हम लेते हैं उसके पीछे कोई कहानी नहीं होती है, ना उसकी कोई अर्थ होता है, हर एक शब्द का कोई अर्थ होता है। इसलिए जब अर्थ नहीं होता है या कहानी नहीं होती है तो इसी में हम अभिनय नहीं कर सकते। अभिनय के लिए तो दोनों चीज़ के जरूरत होता है। तो ये जो प्योर डांस है उसमें हमने कोणारक नाम सुना होगा, उड़ीसा में कोणारक मंदिर है, बहुत ही सुंदर सन टेम्पल है और वो इट इज़ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी। बहुत सुंदर सुंदर पत्थर की मूर्तियां हैं उधर, उसी मूर्तियों के जो भाव भंगिमा हम इस नृत्य में लिए हैं। और दो चीज़ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कि जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर इस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए जब भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की जो सिटिंग पोस्चर्स है उसको हमने लिए है, उसको कहते हैं चौक।
सिटिंग पोस्चर इसी तरह है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का जो सिटिंग पोस्चर इसी तरह है। तो इसके पीछे एक कहानी होती है, जब भी आप नेट में सर्च करोगे तो आपको कहानी मिलेगा। तो ये है, इसी चौक के साथ साथ हम नृत्य करते हैं। दूसरा जो है पोस्चर त्रिभंगी, थ्री बैंड्स ऑफ द बॉडी, एक बैंड इधर है, दूसरा बैंड इधर, तीसरा बैंड इधर, इसी त्रिभंगी के साथ भी हम नृत्य करते हैं। इसीलिए जो त्रिभंगी जो है, जो पोस्चर, ये बहुत ही सुंदर है और उसमें हम जब नृत्य करते हैं वो बहुत ग्रेसफुल, उसमें बहुत लालित्य है, इट इज़ द मूवमेंट इज़ वेरी लिरिकल। तो इसी तरह हमारा जो ओडिसी नृत्य का जो प्योर डांस है वो होता है। थोड़ा मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह हम चौक में कर सकते हैं, कितना कैसे डांस, और त्रिभंगी में भी किस तरह होता है। हमारे पट्टू और जो पल्लवी जो है वो थोड़ा सा मैं शैम्पुल आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको अभिनय दिखाऊंगी। चौक में देखिए कैसे चौक और त्रिभंगी मिलाकर संगीत लेते हैं, वो शास्त्रीय संगीत के ऊपर, शास्त्रीय राग के ऊपर आधारित होना जरूरी है, ताकि हम उसी को अच्छा, मतलब अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय नृत्य जो है वो कोई फोक म्यूजिक या फिल्म म्यूजिक के साथ नहीं हो सकता है। अभी थोड़ा सा देखिए बसंत पल्लवी, ये थोड़ा इधर देखिए, I'm
सवा